लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो है ये वाला मेकअप लुक। और इस मेकअप लुक को मैंने अचीव किया है बाय यूजिंग ओनली 5 मेकअप प्रोडक्ट्स। यस फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये एक फुल फेस मेकअप लुक है और इस मेकअप लुक के लिए मैं 5 मेकअप प्रोडक्ट्स से ज्यादा एक भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज नहीं की हूँ। सिर्फ और सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करके ही मैं इस मेकअप लुक को अचीव की हूँ। और इस मेकअप लुक को क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, आप लोग भी बहुत आसानी से इस मेकअप लुक को अचीव कर सकते हो। सो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैं इस मेकअप लुक को कैसे अचीव की हूं, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। और जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे, ठीक उसके बगल में एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन भी होगा, उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी देख सके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैकमी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन और मेरा शेड है 02। मैं इसके स्पैचुला से इस तरह से अपनी फेस और नेक पे अप्लाई कर लूंगी। इस तरह से पूरे फेस और नेक पे थोड़ा थोड़ा करके फाउंडेशन को अप्लाई कर लूंगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो एज अ कंसीलर मैं इसी सेम फाउंडेशन को यूज़ करूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर लगाना है ठीक वहाँ वहाँ पे मैं इस फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे नीड है एक्चुअली वहाँ वहाँ अप्लाई कर लूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अभी अपने पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी अच्छे से। सो अभी जो थर्ड प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सिवाना कलर्स का ब्रॉन्ज प्रोफेशनल पैलेट। इस पैलेट में से ये कॉन्टोरिंग शेड मैं पिक करूँगी अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। इस ब्राउन कलर का कॉन्टोरिंग शेड से मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी, और अपने आईब्रो को फिल करने के लिए मैं इस तरह का एक एंगुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो आई शेडोज के लिए भी मुझे इसी सेम पैलेट को यूज़ करना है। इस पैलेट में से ये सेम ब्राउन कॉन्टोरिंग शेड को मैं यूज़ करूँगी एज अ ट्रांजिशन कलर। इस तरह से धीरे धीरे प्लेस करती जाऊँगी जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो वीडियो में। इस पैलेट को ही यूज़ करके मैं अपने पूरे आई मेकअप को कंप्लीट करूँगी, बिकॉज़ इस मेकअप लुक के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा मैं एक भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करूँगी।
अभी फिर से इसी सेम पैलेट में से ये हाइलाइटिंग शेड पिक करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश और इस तरह से मेरी पूरे आईलिड पे प्लेस कर दूंगी। इस हाइलाइटिंग शेड को मैं अच्छे से अपने आईलिड पे प्लेस करूंगी ताकि मेरा आईज थोड़ा सा पॉपअप हो जाए। अभी मैं अपनी फिंगर को थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ इस हाइलाइटिंग शेड को अपनी आईलिड पे प्लेस करने के लिए ताकि ये जो कलर है ये अच्छे से मेरे आईलिड पे डिपॉजिट हो जाए। फिंगर की हेल्प से अच्छे से डिपॉजिट होता है और कलर इंटेंसिटी अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए आई एम यूजिंग माई फिंगर। अभी इस तरह का एक स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से आई शेडोज के सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे। मैं अपनी आईब्रो को कॉम्ब आउट करना भूल गई थी, सो इसीलिए मैं इस पुली की हेल्प से मेरे आईब्रोज को कॉम्ब कर लूँगी। इसके बाद आई शेडोज का जितना सारा फॉलआउट था उसको एक ब्रश से क्लीन कर लूँगी। अभी मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ICU आईलाइनर। इससे मैं एक थिक विंग्ड लाइनर ड्रॉ करूँगी और इस लाइनर को अप्लाई करने के लिए मैं इस तरह का एक लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस लाइनर का जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही स्मॉल है, सो उसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस आईलाइनर ब्रश। अभी सेम तरीके से मैं अपनी दूसरे आई पे भी इस तरह से लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। सो गाइज मैं अपनी दोनों आईज पे लाइनर अप्लाई कर ली हूँ। सो अभी मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, पर उससे पहले मैं अपने आई लैशेज को थोड़ा सा कर्ल कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ एन आई लैश कर्लर। मस्कारा के लिए मैं इसी सेम प्रोडक्ट को ही यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली 2-in-1 प्रोडक्ट है, ये ब्लू हेवन ICU मस्कारा प्लस आईलाइनर है। इसके एक साइड में आईलाइनर आता है और दूसरे साइड में मस्कारा आता है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन। एंड ये मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है। इस मस्कारा से मैं अपने आई लैशेज को अच्छे से कोट कर लूँगी। अभी फिर से वही सेम सिवाना कलर्स की ब्रॉन्ज प्रोफेशनल पैलेट यूज़ करूँगी और उस पैलेट में से फिर से वही सेम कॉन्टोरिंग शेड पिक करूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और मेरी लोअर लैश लाइन के क्लोज अप्लाई करूँगी इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ काजल। अभी सेम मस्कारा से मैं अपनी लोअर लैशेस को भी अच्छे से कोट कर लूँगी। सो नाउ फिर से मैं उसी सेम सिवाना कलर्स की ब्रॉन्ज्ड पैलेट यूज़ करूँगी और उसमें से वो कॉन्टोरिंग शेड लेके अपनी फेस को कॉन्टोर कर लूँगी।
इसी सेम पैलेट में से ये हाइलाइटिंग शीट पिक करूँगी और मेरी फेस को हाईलाइट कर लूँगी जहाँ जहाँ मैं यूजुअली हाईलाइट करती हूँ। अभी जो फिफ्थ एंड लास्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लिपस्टिक और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ L18 का कलर पॉप मैट लिपस्टिक इन द शेड प्रॉम पिंक। इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं बैक ऑफ द हैंड पे इस तरह से थोड़ा सा लगा लूँगी और फिर मेरी फिंगर की हेल्प से इस तरह से मैं अपनी चिक्स पे प्लेस कर लूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। इस लिपस्टिक को अभी इस ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। लिपस्टिक इज अ क्रीम प्रोडक्ट सो उसको मैं एज अ ब्लश यूज की हूँ तो उसको सेट करना भी जरूरी होता है ताकि वो कहीं पे मूव ना कर पाए, स्प्रेड ना कर पाए। इसीलिए मैं वही सेम मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। सो नाउ इज द टाइम टू अप्लाई लिपस्टिक एंड लिपस्टिक के लिए मैं उसी सेम लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ L18 कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक इन द शेड प्रॉम पिंक। इसको मैं अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं एक ड्राई टिश्यू लूँगी और उस टिश्यू पे मेरी लिपस्टिक को इस तरह से ब्लॉट कर लूँगी और ब्लॉट करने के बाद फिर से दोबारा मैं लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ये आपके लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, बहुत देर तक आपके लिप्स पे लिपस्टिक टिका रहता है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। सो गाइज, मेरा मेकअप तो कंप्लीट हो गया है। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं इस तरह का एक ईयरिंग पेयर करूँगी इस लुक के साथ। सो गाइज, आई हैव यूज्ड दिस पेयर ऑफ ईयरिंग्स विद दिस लुक एंड ईयरिंग्स तो मैं यहीं पे पहन ली हूँ आप लोगों के सामने। सो अभी जो बाकी है वो सिर्फ हेयर स्टाइल है। सो हेयर को ठीक करके मैं जल्दी से वापस आती हूँ। सो गाइज, आई एम बैक एंड मैं अपनी हेयर स्टाइल में कुछ खास नहीं की हूँ, जस्ट फ्रंट सेक्शन में एक बूव बनाई हूँ एंड बाकी का हेयर मैं ओपन रखी हूँ। एंड दैट्स ऑल गाइज, दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक ऑफ माइन एंड आई होप यू गाइज हैव इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आएगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए सच में हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोग कर सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, स्टे ब्लेस्ड।